and all that in them without me were seeds only latent and unborn. तो रेन यहाँ पर बोलती है कि वो जब धरती पे आती है तो वो जब अगर धरती पे नहीं आएगी, रेन नहीं होगा, तो जो सीड्स हैं वो लेटेंट का मतलब यहाँ पर हिडन होता है, वो बाहर नहीं निकलेंगे धरती से, और अनबॉर्न मतलब बॉर्न उनका जन्म नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे. एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन. तो रेन रोज होता है, रोज बारिश होती है, और यहाँ पर बोला गया है कि वो अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती है. मतलब जैसे अर्थ से निकलती है रेन तो वो क्लाउड्स में जाकर फिर से वापस बरसती है और अर्थ के जीव जंतुओं को वो फिर से लाइफ देती है. तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड. तो वो अर्थ को प्योर बनाती है, उसे वॉश करके और उसे ब्यूटिफाई करती है, उसे ब्यूटिफुल बनाती है, खूबसूरत बनाती है. तो यहाँ पर कुछ लाइन्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं जो कि नरेटर जो कि पोएट के व्यूज़ हैं. तो आइए हम इसे पढ़ते हैं. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ वंडर. यहाँ पर सॉन्ग का कंपैरिजन रेन से किया गया है. जिस तरह सॉन्ग हार्ट से निकलकर हार्ट में ही वापस आ जाता है, लोगों तक जाकर फिर अपने हार्ट में ही वापस आ जाता है, उसी तरह रेन जो है वो अपने बर्थ प्लेस मतलब अर्थ से निकलता है और सबकी डिज़ायर को फुलफिल करके सबकी वंडर मतलब ट्रैवलिंग, वंडरिंग मतलब ट्रैवलिंग मतलब चल के टहल के और वापस आ जाती है. कहाँ? तो अपने बर्थ प्लेस पर ही, अपने बर्थ प्लेस जो कि धरती है उसी पर वापस आ जाती है. रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ माई लव रिटर्न्स. तो रेक्ट और अनरेक्ट मतलब किसी को पसंद आती है रेन, किसी को नहीं आती है, लेकिन वो बरसती है और वो अपने ही ओरिजिन में वापस आ जाती है विथ लव एंड लव के साथ अपने ही ओरिजिन में, अपने ही अर्थ पे वापस आ जाती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.